सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर योर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द जर्नी ऑफ FC21। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके सो सर, जब आपने FC21 का प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो इससे आपको क्या क्या फायदे हुए? मैम पहले ना अलाइन नहीं थे चीज़ों को, हम करते नहीं थे, करते तो काम देते थे, अलाइनमेंट नहीं होती थी। अब आपके कोर्स से ये बेनिफिट कुछ अलाइनमेंट हुआ है, धीरे धीरे अकाउंट्स टीम को समझ में आई है, जिसे कहते हैं पहले देसी काम करते थे तो अब तो ऑर्गेनाइज काम करते हैं, तो कुछ वो इम्प्रूवमेंट जरूर आया है इसके अंदर। ग्रेट सर। सो FC21 का प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे? मैम कुछ हेड्स हमने ठीक से बनाए नहीं हुए थे टेली के अंदर अपने, वेवर्ड एक्सपेंसेस डालते थे हम लोग। अब अलाइन एक्सपेंसेस एक शीट बन गया कि इस शीट के हिसाब से एक्सपेंसेस डालना है या ये एंट्रीज इस तरीके से ऑर्गेनाइज, मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनाइज चीज़ें हो गई। पहले सब अनऑर्गेनाइज, ABC का खर्चा डाल दिया, एक्सपेंसेस डाल दिया, कार्टे डाल दिया, एक्सपेंस डाल दिया, ऐसे कुछ करते रहते थे हम लोग ये बुक्स को सेट करने के लिए। अब कुछ थोड़ा सा बेटरमेंट आया है, उससे चेंज आया है अंडर द गाइडेंस ऑफ बोथ योर मनमोहन जी एंड जगमोहन और मनमोहन जी एंड मनोज जी एंड उनसे थोड़ा सा बेटरमेंट आया है मैम, और डाउन द लाइन और भी बेटर होता जाएगा ये। राइट सर। सो आपको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ओनर को FC21 का प्रोग्राम करना चाहिए और क्यों? मैम इट डिपेंड्स, अगर वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है पहले तो फिर तो ठीक है, अगर ऑर्गेनाइज होना है उसको तो कुछ कोर्स ज्वाइन करना चाहिए उसको, ये बेनिफिशियल ही रहेगा उसको आगे फ्यूचर के लिए अपने लिए। जैसे हम लोग को कुछ बेटर दिख रहा है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और ये ज़रूरी है चीज़ें मैम। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल फीडबैक सर। थैंक यू वेरी मच मैम।